माइक्रोटोम की पूरी डिमोन्स्ट्रेशन करेंगे, इसको वर्किंग कैसे करना है, ईच एंड एवरी स्टेप। तो सबसे पहले अजय जी ये बताइए कि इसको रखना कैसे है, ऐसे रखना है या ऐसे रखना है? ऐसे। अच्छा, वैसा नहीं रख सकते क्या? कि उसमें क्या होता है कि आप जब इसको आगे पीछे करोगे, हाँ, तो हाथ ब्लेड का हाथ में लगने से आपको खून निकल सकता है, अच्छा, कोई भी आपको हादसा हो सकता है। अच्छा, इसको ऐसे आगे आगे पीछे करोगे, हाँ, लग तो सकता है, हाथ लगाओगे तो इसलिए इसको ऐसे सामने रखना, इसके सामने रख सकते हैं आप लोग। पुराने समय में वैसा रखते थे वो इस क्या ऐसा क्यों है कि इसकी हाइट अच्छा ज्यादा है हाँ और उसकी हाइट कम थी, अच्छा तो इसलिए इसको आप सीधा रखो तो बेटर। चलिए और वैसे चलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक। तो सबसे पहले अब इसमें जो है, अभी सबसे पहले क्या है कि हमारा ये अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो हाँ हमारा व्हील लॉक हो जाएगा, लॉक हो गया, ठीक, इसको नीचे करेंगे हाँ तो ये हमारा व्हील अनलॉक अनलॉक हो हो गया, जाएगा, ठीक, ये घूमता रहेगा। ठीक। दूसरा ये वाला बड़ा जो व्हील है हाँ इसको आप कंटिन्यू चलाने के साथ यूज करते हैं सेक्शन कटिंग करने के लिए। ठीक। छोटे वाला व्हील है हाँ आप इसको रिवर्स फॉरवर्ड जो हाँ हमारा ब्लॉक लगा हुआ है हाँ जिसके अंदर हम टिश्यू लगाते हैं हाँ उसको सेट करने के लिए और करते रिवर्स हैं फॉरवर्ड करने के लिए करते इसको हम हैं यूज करते हैं। ठीक। ठीक है, ठीक है, ये वाला जो नोब है हाँ इस नोब को हम सेक्शन थिकनेस जो हमारी होती है ठीक ठीक उसको सेट करने के लिए यूज करते हैं। ओके ओके जैसे अब इसको 0 से हाँ और आप इसको 60 तक ले जा सकते हो, 60 ओके माइक्रोन तक। ओके ओके ठीक है, मोस्टली हम 5 पाँच से माइक्रोन सात पे हाँ, सेक्शन कटिंग करते हैं। ठीक। ठीक है, ठीक ये हमारा ब्लॉक होल्डर बोलते हैं अच्छा इसको। ठीक। जैसे हम ये हमारे टिश्यूज में लगाते हैं हाँ हम इसको ऐसे लगाएंगे और इसको टाइट कर हाँ देंगे, अच्छा कस देंगे, ठीक ये टाइट हो गया हमारा। है अभी क्या है कि हमारे इसको बोलते हैं नाइफ होल्डर। हाँ ये नाइफ होल्डर आप ये वाला जो नोब है हाँ इसको आप हाँ लूज करोगे तो हाँ इसको आगे पीछे करने के लिए, अच्छा जी, इसको ये इसे लूज ये हो वाला गया, लूज इसको ठीक। आप आगे पीछे कर सकते हो, ओके ओके इसको आप साफ करने के लिए बाहर भी निकाल सकते हो, अच्छा, अपने आप ऐसे निकल जाएगा, अपने आप हाँ निकल जाता मतलब सर रखा रहता है। हाँ, फिर इसको आप ऐसे लगाओगे है, और हाँ नोब को अच्छा, राइट हैंड में टाइट कर इस दोगे तरफ टाइट होगा, ये टाइट हो जाएगा, इसको भी बाहर नहीं खींचना है ना, नहीं बाहर नहीं खींचना, बाहर निकलेगा ही नहीं। ठीक। ये जो हमारा नोब है हाँ हम ब्लेड लगाने के लिए यूज करते हैं, नाइफ लगाने के लिए। ठीक। अच्छा ये ढीला हो गया तो नाइफ जैसे निकाल दिया, आपने इसको लॉक अनलॉक किया ठीक। इसके बाद इसमें जगह बन जाती है ठीक। और आप इसको साइड से डाल दें, साइड से डाल दो, ठीक। ये आपका कस देना ही, ये टाइट हो गया। ओके ओके ये वाला जो नोब है हमारा, हाँ हमारा जो नाइफ होल्डर है ठीक। इसको खिसकाने के लिए यूज़ होता है, खिसकाने के लिए यूज करते हैं। अच्छा इसको आप ऐसे लूज करोगे इसके हाँ बाद इसको अच्छा, टाइट मान लो इधर करोगे, से ब्लेड का धार कम हो गई तो आप जो है साइड से कर खिसका यहाँ के से रख कटिंग कर दें, सकते हो, यहाँ से कटिंग कर सकते हो, यहाँ से कर, ओके एक ओके, ब्लेड को तीन आप 3 जगह से यूज कर सकते जगह हो। से यूज़ कर सकते हैं, ठीक कहाँ कहाँ है, से, सेंटर सेंटर से, दोनों राइट, साइड से, ठीक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के हिसाब से आप ओके ओके इसको ओके आप कर सकते हो। ठीक। ये हमारा क्या है एंगल सेट, अच्छा, इसको आप लूज करोगे हाँ तो ये ठीक है, तो नॉर्मली हमको कितना एंगल रखना चाहिए, कैसे सेट करते हैं, क्या है, इसमें दिया है ना हाँ 10 से और 15 तक का दिया है, तो आप हाँ इसको पैरेलल रखोगे हाँ तो भी कोई कटिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा अच्छा ठीक। आप इसको पैरेलल रखो इसके हाँ और आप कटिंग कर सकते अच्छा, हो, इसके पैरेलल रखें तब भी कटिंग कर तब भी सकते कटिंग हैं, कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी चीज हाँ लूज ना हो, लूज ना हो, अच्छा सब टाइट हो, सब टाइट सारे स्क्रू हो, टाइट हो, सब टाइट हो, अगर लूज हो जाएगा तो ओके, कटिंग नहीं करेगा। कटिंग नहीं करेगा, ठीक है, ठीक। अभी ये वाला जो नोब है हाँ ये तीन नोब, ये 3 नोब वन है। टू थ्री, हाँ हाँ, ये किस अब लिए क्या है, है कि आप इसको लूज कर, इस नोब को लूज करोगे, हाँ ये आपने लूज कर दिया, ठीक। इसको आप एंगल सेट करने के लिए, अच्छा जैसे अच्छा आप ब्लॉक लगाते हो हाँ ब्लॉक का जो हमारा सरफेस है हाँ वो थोड़ा पैरेलल नहीं है, तो हाँ उसको पैरेलल करने के लिए आप इसके नज़दीक लेके आओगे ठीक। और उसको जहाँ आप चाहोगे इसको आप लूज करोगे तो ये मुंह होता है, अच्छा, ये मुंह होता है, हाँ आप इसको ठीक, उसके पैरेलल लाना उसको है, पैरेलल ला सकते हो, अच्छा, इसके अगर ब्लेड के पैरेलल, ब्लेड के पैरेलल अगर ठीक, वो भी नहीं लाते आप हाँ तो आप इस ट्रिमिंग करने के हिसाब से उसको पैरेलल कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, इसको हाँ टाइट करोगे फिर हाँ इसको भी टाइट कर दोगे ठीक, तो ये हमारा ब्लॉक टाइट हो गया। टाइट हो गया, अब जैसे मान लिया हमने पैरेलल किया है, हाँ पैरेलल किया, अभी हम इसको इसको चाबी को हमेशा किसी भी तरफ घुमा सकते किसी भी हैं, तरफ घुमाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं जोर करनी है। जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है, ठीक, अभी देखो ये क्या है कि हमारा ये पैरेलल है, अभी हाँ हम इसको इसके नजदीक लेके आ रहे हैं, हाँ ये हमारा
इसके नज़दीक आ गया, ठीक नज़दीक आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारा माइक्रोन सेट है, ठीक पाँच, आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उस वाले हैंडल को कहाँ किस तरफ घुमाना है, बड़े वाले हैंडल को सीधा सीधा, हाँ, मतलब इन्हें घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में घुमाना है, ठीक है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, हमेशा क्लॉकवाइज, हमेशा क्लॉकवाइज घुमाना है, उल्टा नहीं घुमाना, उल्टा नहीं घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज बड़े व्हील को नहीं घुमाना, नहीं घुमाना, जबकि छोटे व्हील को अपन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों तरफ घुमा सकते हैं, हाँ, लेकिन वो इसलिए कि आप ब्लॉक को आगे पीछे ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो इसमें एक दिशा ऐसी होती है जिसमें अपन को ज्यादा नहीं घुमाना एक दिशा के बाद, नहीं ऐसा है कि जहाँ पे ये स्टॉपर काम ना करे, हाँ, स्टॉपर काम कर जाए अपना, हाँ, और ये जोर जबरदस्ती ये रुक जाता है अपने भीड़ जाके, ठीक, तो उसको वहाँ जबरदस्ती नहीं करना, वहाँ से छोड़ देना है, ठीक है। इसको मतलब अगर ये घूम नहीं रहा है तो जबरदस्ती नहीं करना, पीछे की साइड में आप जा रहे हो, हाँ, तो कितना भी घुमा सकते हो, लेकिन जब आगे की साइड में आ रहे हो, हाँ, तो उसको कटिंग साइड में चल रहे हो आप, हाँ, हाँ, तो उसको जबरदस्ती नहीं घुमाना है। अच्छा, तो आगे की साइड में आने के लिए इसको कहाँ घुमाते हैं, ये आगे लाना है तो इसको कहाँ घुमाएंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, इसके ऐसे, तो आगे की साइड ला रहे हैं तो कितना भी घुमा सकते हैं, आगे की साइड कितना नहीं घुमा सकते, अच्छा कितना नहीं घुमा सकते, हाँ, ठीक, वो खाली आपको ब्लॉक के यहाँ पे टच, यहाँ तक ला, टच करने के बाद, ठीक ठीक, अब सिर्फ उसको टच करना, टच करवाना है, ठीक ठीक ठीक, टच करवाना है, टच करवाना, फिर छोड़ देना है, उसके बाद फिर छोड़ देना है, ठीक, उसका फिर काम खत्म हो जाता है, उसका काम खत्म, फिर तुम दूसरा ब्लॉक लगा रहे हो, हाँ, तो उसको सेटिंग करने के लिए, अच्छा उसको आगे पीछे घुमाएंगे, आगे पीछे करने के लिए उसको सेट करना है, उस पर ब्लेड पे टच करवाना, ब्लेड के पर लगाना है, ओके ओके, और ये हमारा फिंगर गार्ड है, ठीक है, जब आप काम खत्म कर जाते हो, हाँ, तो इसको यहाँ पे रख दो जिससे कि आपके हाथ ना कटे, ना कटे, ठीक है, ठीक, और ये आगे बढ़ाने के लिए इसको पीछे की तरफ घुमाना है, आगे बढ़ाने के लिए आगे की तरफ, आगे की तरफ, अच्छा, पीछे जाने के लिए पीछे, पीछे की तरफ, आगे बढ़ाने के लिए आगे की तरफ घुमाना है और, हाँ, पीछे बढ़ाने के लिए पीछे की तरफ, हाँ, तो जब इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे, हाँ, तब एक जगह आकर के रुक जाएगा, वो रुक जाएगा, काम नहीं करेगा, काम नहीं करता, उसके बाद हमें जबरदस्ती नहीं करनी, जबरदस्ती नहीं करनी, आगे आने के बाद भी एक जगह रुक जाएगा, फिर जबरदस्ती नहीं, अच्छा, तो आगे पीछे दोनों तरफ जबरदस्ती नहीं करनी, दोनों जबरदस्ती, चलिए ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें आगे और पीछे दोनों जबरदस्ती नहीं करना, हाँ, जबरदस्ती नहीं करने से अंदर, ठीक है, जैसे ये घूमता जा रहा है मैं घुमा रहा हूँ, अब यहाँ पे जो है ये आप नहीं घूम रहा है, यहाँ तो जा रहा है जाने दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा अच्छा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम आगे लेके आ रहे हैं, हाँ, तो जहाँ एक बार स्टॉपर काम करेगा इसका, हाँ, वो स्टॉपर को जबरदस्ती नहीं आपको प्रेस करना है, अच्छा, उसको वहीं पे छोड़ देना, अच्छा, जैसे हम ये आगे घुमा के, मोस्टली क्या होता है कि आप जो हमारे नए फोल्डर है ना, ये नए फोल्डर आप यहीं सेंटर में रखो इसके, जैसे अब आगे हम घुमा रहे हैं, है ना, हाँ, आगे घुमा रहे हो, घुमा रहे हैं, हाँ, घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, अभी घूमता जा रहा है ना, घूमता जा रहा है, तो आगे घुमा रहे हैं, तो ये आगे आ रहा है, आगे, हाँ, आगे आ रहा है, आ रहा है ना, तो ये इसको जल्दी घुमाने के लिए ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी घुमाते जाए ना, और एक स्थिति ऐसी आएगी वो घूमेगा नहीं, वो घूमेगा नहीं, अभी जैसे आराम से घूमता जा रहा है, मैं ऐसा देख रहा हूँ, हाँ, ये घूमता जा रहा है अभी आराम से, है ना, बस अब नहीं घूमेगा, अभी बस 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 आ गया, ये आना बंद हो गया आगे, हाँ, अभी आगे, ये आ गया, आना बंद हो गया, आना बंद हो गया है, हाँ, ये इसको देखो, अच्छा अच्छा, ये जब आगे आना काम करना बंद कर देगा, ठीक, तो उसको आपको नहीं घुमाना, उसको छोड़ देना, ठीक है, तो अब आगे जो है, हाँ, ये फिर भी घूम रहा है, हाँ, लेकिन ये आगे आना बंद हो गया, बंद हो गया है ना, हाँ, तो हमको ये देखने की आगे आना बंद हो गया, अब इसको हमको और आगे ऐसे इस तरफ ऐसे ऐसे करके नहीं घुमाना, नहीं घुमाना, ठीक है, फिर इसको अपनी जगह आप, हाँ, पीछे की तरफ ले जाएं, हाँ, ऐसे पीछे की तरफ पे भी है, हाँ, ऐसे घुमाते जाओ, कहाँ रुकता है, देखिए पीछे की तरफ तो रुक जाएगा, नहीं पीछे तरफ भी रुकेगा, पीछे तरफ घूमता रहेगा, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं करना, ये पीछे जाना बंद हो, ये पीछे जाना बंद हो जाएगा, अच्छा अच्छा, ये पीछे जाना बंद हो गया, हाँ, ये जाना बंद हो गया, हाँ, लेकिन ये घूम रहा है, फिर ये घूम रहा है, लेकिन पीछे जाना बंद हो गया, पीछे जाना बंद हो गया, अब आगे लाओ, आप देखेंगे कि ये आगे बढ़ रहा है और ये भी घूम रहा है, अभी आगे की तरफ घुमाते हैं तो ये आगे बढ़ता है, पीछे की तरफ घुमाते हैं तो ये पीछे जाता है, तो अभी हम ये जो है क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, अभी आगे नहीं आया, अभी आगे आना, अब और घुमाएंगे थोड़ा सा, ये रुक गया है, अभी थोड़ा सा आ रहा है, अभी नहीं रुक गया, अभी अभी आगे आना बंद हो गया, अभी इसको कुल मिला के ये है कि जब ये ब्लेड से आगे इसको नहीं लाना है, ब्लेड के पास आ जाए, इसको आप यहाँ पे सेंटर में रखो, हाँ, और वहीं तक रखो, हाँ, जहाँ ब्लेड तक आ जाए, ठीक है, तो ये जो ब्लेड को हम सेंटर में रखें, हाँ, है ना, होल्डर को सेंटर में रखें, सेंटर में रखें, और ब्लॉक को जो है ब्लेड तक ही लाना है, और उसके आगे हम जो है इसको नहीं लाएं, हाँ, ठीक है, ये और इसको हम कुल मिला के हम ज्यादा ना घुमाएं, ज्यादा ना इसको सिर्फ थोड़ा बहुत ही घुमाएं, हाँ, इसको हम, है ना, ये जिससे कि ब्लॉक ब्लेड पे आ जाए, 10 mm 10 mm 15 mm में, हाँ, आराम से आगे पीछे, तो इसको हमको ज्यादा नहीं घुमाना है, इसको सिर्फ हमको एडजस्टमेंट के लिए, इसको बहुत ज्यादा हमको नहीं घुमाना है, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा घुमाएंगे
तो दिक्कत होगी। इसको जो ब्लेड है इसको हमको ऐसा मिडिल में रखना है, जैसे यहाँ से छोटा थोड़ा सा छूटा है और यहाँ से थोड़ा छूटा है, इसको ठीक है। सेट करना। तो इस ब्लॉक को हमें इस ब्लेड के जस्ट ऊपर जो है एडजस्ट करना है बस। और एक एंगल जो है, एंगल जैसा कि इन्होंने बताया है कि हम इसको जो है इसके पैरेलल भी रख सकते हैं एकदम फिट करके। इसको पहले रखो, जीरो से दस तक का है ये, ठीक तो जीरो जीरो से जीरो मिला दो, ठीक ठीक ये इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है, ओके ओके। वो जीरो से जीरो मिला के इसको आप रखो, ठीक ठीक और आपका ये कटिंग शुरू हो गया। और ये जो है ये हमेशा हमको बड़ा भी क्लॉक वाइज ही घुमाना है, ठीक है। ये आपका ब्लॉक देखो कितना बढ़िया ब्लॉक बन रहा है, अजय जी बहुत बढ़िया ब्लॉक बना रहे हैं, ठीक है।